तीन तलाक आज के जमाने में जब तक हमारी सरकार है किसी के औकात नहीं है, कई बार डराएगा वो। वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। भाजपा को बदनाम करने वाले लोग होंगे वो, जिनने भी इस मुद्दे को गर्म कराया। हमने भी तो भाजपा को वोट दिया, ये झूठ बोल रही है। भाजपा को हुआ नहीं है मुसलमानों को। का आरोप बेदम मिला है। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो बोल रहे थे अपनी तीन तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी तीन तलाक। पिछले साल ही उज्मा और ये उसने सिर्फ आरोप लगाया है, सच्चाई इसमें रत्ती भर भी नहीं है। क्योंकि उसके अपने ससुराल पक्ष से कई बार उस महिला द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं उसके ससुराल वाले, जिसमें उसने अपने ससुर और अपने देवर पे बलात्कार तक के आरोप लगाए, लिखित तहरीर दिए थाने में और उसका कंप्रोमाइज़ भी कराया गया था थाने में बैठ के। इस तरह की ऊँची मानसिकता प्रतीत हो रही है, बस वो गलत तरीके से भाजपा के नाम का सहारा लेके प्रताड़ित कर रही है और सहानुभूति लूटना चाह रही है भाजपा के लोगों का और अधिकारियों। नहीं, मुझसे मेरी पार्टी के लोगों ने पूछा है इस प्रकरण को, मैंने जानकारी ली, पता चला कि उज्मा नाम की जो महिला है, जो एप्लीकेंट है, वो पूरी तरह से गलत है इस मामले से। मतलब भाजपा को वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, वोट देने का मतलब नहीं है। क्योंकि ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो एजाजनगर गोटिया के हैं, एजाजनगर गोटिया मेरे पास में, मैं जाके खुद और अपने लोगों को साथ ले जाके वहाँ के लोगों से सब मैं जानकारी जुटा चुका हूँ। भाजपा को बदनाम करने वाले लोग होंगे वो, जिनने भी इस मुद्दे को गर्म कराया। तीन तलाक आज के ज़माने में जब तक हमारी सरकार है किसी के औकात नहीं है, कई बार डराएगा वो जो तीन तलाक का नाम भी लेगा। जुबान पर नहीं ला सकते तीन तलाक, कानून बनाया है हमारी सरकार ने। दूसरा, भाजपा को वोट दिया इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका पति पिछले 2.5-3 महीने से अपने घर नहीं है और वो महिला कह रही है कि मेरे पति ने मुझे भगा दिया। पति आज तक बरेली में नहीं है। अगर सियासत गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ओछी मानसिकता के लोग हैं। मैं तो निवेदन गुजारिश करना चाहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों से, अगर उन्हें भाजपा या भाजपा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैं दूंगा। भाजपा कोई हवा नहीं है मुसलमानों के लिए, ये एक दिल का वहम है और कुछ लोग जो हैं खामोखा हवा देते हैं ऐसे मुद्दों को, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बदनामी। रिपोर्ट तो तलब की जाएगी, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये ऐसा नहीं है एक प्रदेश में, कई मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये खबर गई है, तो कहीं ना कहीं से तो किसी ने संज्ञान लिया होगा। वो जानकारी लेंगे, अधिकारियों का काम है वो सच्ची रिपोर्ट दें, और सच्ची रिपोर्ट जो देंगे वो सही बात है कि वो जो एप्लीकेंट है वो गलत पाई जाएगी। उज्मा नाम की लड़की अपने मतलब जिससे शादी हुई थी उसके घर आके बैठ गई, क्योंकि हमारे यहाँ किसी लड़की को बिना शादी के लड़के को रखना गुनाह है। दूसरे ही दिन पंचायत वगैरह हुई, निर्णय हुआ, ये हुआ पंचायत का कि वो लड़की है ये लड़का है, चलो इन दोनों का कुछ अफेयर वगैरह है तो इसका निकाह करा दिया जाए। उसका निकाह हुआ, निकाह के बाद उस लड़की ने तांडव शुरू कर दिया अपनी ससुराल में, जिसका प्रूफ देखो आपके सामने ये है।
इसने बलात्कार का छेड़छाड़ का तहरीर दी थी थाना बारादरी में, ये उसका कंप्रोमाइज लेटर है, ये कंप्रोमाइज लिखा गया था वो कागज़ है। और उसके बाद फिर वो बाज नहीं आई, तरह तरह से इनको धमकी देती रही, इन्होंने कप्तान साहब को ये तहरीर दी थी करीब 6 महीना पहले। उसके बाद देखिए इतने दुखी हो गए, इतने प्रताड़ित हो गए लड़का पक्ष के लोग कि इन्होंने रजिस्टर्ड उसे उजमा और उसके पति को यानी अपने बेटे को और पुत्र वधु को बेदखल कर दिया। तो बेदखली के बाद ना वो इसके घर जाते ना ये उनके घर जाते, वो अपने मायके में रह रही है। लड़ाई लास्ट तक लड़ी जाएगी क्योंकि हम सही रास्ते पे हैं, सच्चाई के साथ हैं हम, और लड़के वाले भी बिल्कुल सच्चे और सही हैं, मोहल्ले पड़ोस और गांव बस्ती के लोग अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, सब इनके साथ खड़े हुए हैं, मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ। जीत हो सकता है थोड़ी देर से हो, लेकिन जीत सच्चाई की। उस्मान ने मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फरहत नकवी से मदद मांगी है। फरहत नकवी ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की है, उन्होंने क्या कहा सुनिए। ये लोग अलग किराए के मकान में रह रहे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, इससे उसके मामू और उसके शौहर नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उसके मामू और शौहर ने 11 मार्च को इसको धक्के देके घर से तन्हा पहने कपड़ों में निकाल दिया है। तो पहले हम दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद इसमें जिस तरह की भी जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरा हक फाउंडेशन उज़्मा को इंसाफ दिलाएगा। इस बीच उज़्मा हमारे शौहर को और हमारे लड़के को गलत आरोप में बलात्कार के केस में फंसाया, फिर बच्चे हमारे चले गए थाने, ले गए पुलिस वाले उठा के, फिर पुलिस में राजीनामा हो गया। राजीनामा करके जे अपने हम घर नहीं लाए, उन्हें घर ला के हमने हम अपने घर में नहीं रखा, वो अपने किराए पे कहीं चले गए, हम अपने घर में रहते हैं। फिर हमने उसके बाद हमने इन्हें बेदखल कर दिया, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये सब झूठ है। हमने भी तो भाजपा को वोट दिया है, ये झूठ बोल रही है। तो अब आप हमसे दूर रह रही है, अलग रह रही है, हम क्यों उसके लिए कहेंगे? अरे हमारा राशन कार्ड भी है, राशन हमें भी मिल गया, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इससे अच्छी कौन सी बात है। पूरा मामला ये था, वो लव मैरिज उनकी शादी हुई थी, वो घर पर आके बैठ गई थी, उसके सेकंड टाइम 2 जनवरी को उनका निकाह हो गया था, 2021 को निकाह हो गया था उनका। उसके बाद वो 2-3 महीने साथ में रही हम सब होके, उसके बाद उनका बिहेवियर अलग हो गया। लेकिन ये जो लगाया गया ये सरासर गलत है, ये झूठ है। हमारे ससुराल वालों ने खुद वोट भाजपा वालों को दिया है, सास ससुर ने जो वोट दिया है भाजपा वालों को दिया, संजय अग्रवाल सर को उन्होंने वोट दिया है, लेकिन किसको दिया उन्होंने फाइनल ये नहीं बताया कि हमने वोट किसे दिया है। वो जैसे कि मैंने शो किया कि मैंने संजीव अग्रवाल सर को मैंने वोट दिया, तो आप भी उसमें से बताएं कि उज़्मा ने किसको वोट दिया है। घटना को लेकर SSP रोहित सिंह सजमाण ने क्या कहा देखिए। थाना बारादरी के अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसको 3 तलाक की धमकी दी और एक विशेष पार्टी को वोट देने के कारण उसको घर से निकाल दिया। पुलिस के द्वारा इसमें वादनी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ जो दूसरा प्रतिपक्ष है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 6 महीने पहले उनके द्वारा अपने बहू और बेटे को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया और इस वजह से ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस सभी दोनों ही पक्षों की बात सुनकर इसमें जो मुकदमा पंजीकृत है उसके अंतर्गत विवेचना कर रही है और जो भी सत्य होगा उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। दरअसल